एक महीना भी लग सकता है अगर आप एम्बेसी में जाके वीज़ा लेते हो। पर मैंने किस तरीके से वीज़ा लिया, मैंने सिर्फ 2 ही दिन में वीज़ा लिया। बांग्लादेश वर्ल्ड की 8th most populous country है। ना कोई और गाड़ी वाला डरता है, एक दूसरे के आगे जाते हैं। ये देखो ये बंदा बीच में कैसे जा रहा है, ये देखो। तो हेलो जनाब, कैसे आप? बिल्कुल आपका स्वागत है एक बार फिर से बांग्लादेश में। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा बांग्लादेश का, मैं मौसम से बात करूंगा। कल तो मैं जल्दी सो गया था, उसके बाहर आके घूमा नहीं। मौसम के लिए मैं बताता हूँ, एक्चुअल में ये बांग्लादेश है जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, बहुत गर्मी होती है। लेकिन अभी की हम अगर बात करें तो मज़े का मौसम है, उतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं है। लेकिन गर्मी से होती भी तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गर्मी मुझे अच्छी लगती है। साथ ही मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये हैं ताहिर चौधरी, और आप बिलीव नहीं करेंगे ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, यहाँ पे MBBS कर रहे हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। कौन सा ईयर MBBS का? अभी हमारा फर्स्ट क्रॉप चल रहा है। हाँ, फर्स्ट इनका चल रहा है। तो यहाँ पे कितना टाइम, कितना हो गया? मैम 1 साल से ज़्यादा हो गया है, फर्स्ट क्रॉप 1.5 ईयर का हो गया है। 1 साल हो गया इनका, और जो बंगाली इनकी फ्लुएंटली जा रही है, बहुत मज़ा आ रहा है सुन के, बहुत तगड़ी तरीके से बंगाली बोल रहे हैं। मैंने आते ही एक लाइन सीखी है, वो पता नहीं भूल जाऊंगा, अम्मी तुम के भलोबाशी। ये बस लड़कियों को बोल सकता हूँ, लड़कियों को बोलूँगा तो शायद फिर वापस घर नहीं जा पाऊँगा, बांग्लादेश ही रहना पड़ेगा। और अभी हम थोड़ा सा कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, मुझे कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम जाएंगे रमनापार, क्योंकि इनको तो यहाँ पे मालूम नहीं था, ये नीलखेत में स्टे किया। यहाँ से सबसे पास वाली जगह रमनापार की है, और मेन ढाका में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं घूमने के लिए, उसमें रमनापार बेस्ट है, मतलब देखने के लिए। वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे दिखाते हैं क्या। ओके, तो चलते हैं रमना पार्क की तरफ। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी लाइक कर ले, एक कमेंट भी कर ले, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं ये चीज़ सोच रहा था जब मैंने ये चीज़ देखी, मैं कॉलेज से वापस आया, लिटरली मैंने फ़ोन खोला, मैं देख रहा हूँ कि मेरे गाँव का बंदा, मतलब हम एक ही गाँव से, और हमारा एक ही गाँव इतना लास्ट पड़ता है कि मतलब पाकिस्तान से मुझे लगता है ऑन द बॉर्डर पे है, मतलब लिटरली 7 या 8 किलोमीटर दूर है। एक बंदा वहाँ से आके बांग्लादेश में, मैं खुद शॉक हो गया उस चीज़ को देख के। मैंने उसी टाइम पे फ़ोन किया, उसी टाइम पे कॉन्टैक्ट किया, मैं बोला मैं अभी जाता हूँ, मतलब उसी वक्त आया। हमसे मत पूछो ये रास्ते हमारे घर के, एक बार वाह वाह बोल दो, हमसे मत पूछो ये रास्ते हमारे घर के, हम तो मुसाफिर हैं उम्र भर के। तो मज़ा आ रहा है बांग्लादेश में आके। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है गुरुद्वारा, तो मैंने आपको बताया, लेकिन वहाँ पे जो चार्जेस हैं बहुत कम चार्जेस, लाइक 800 पर डे का पे करना है बांग्लादेश के खाने के साथ वो 800 रुपीज़ का चार्जेस। मुझे, मैंने कहा खाना नहीं खाऊँगा मैं, खाना मुझे बाहर ही खाना माना होगा, कम ही खाता हूँ, कभी खा लूँगा, तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़। और अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। बांग्लादेश वर्ल्ड की 8th most populous country है, 8 छोटी सी कंट्री है, लेकिन 8वें नंबर पे आती है पॉपुलेशन के हिसाब से। बहुत तरक्की की है लोगों ने यहाँ पे। पॉपुलेशन का हिसाब मेरे को पूछो, जिस जगह पे मैं रहता हूँ इटली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है, मतलब यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ की चीज़ें, बहुत बंदा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब नया इंसान आएगा ना, एक मतलब कश्मीर जैसे माहौल से निकल के यहाँ पे, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। शोर आपको मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ये देख लें। तो मैं बता रहा था बांग्लादेश वर्ल्ड का 8th most populous country है, यहाँ पे 169 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से 91% लोग मुस्लिम से, 8% हिंदू से, और बाकी का 1% जो बचे हैं उसमें ज़्यादा बुद्धिज़्म आते हैं, और कम जो आते हैं वो क्रिश्चियंस और बाकी अदर कास्ट आती हैं। ढाका ही है बांग्लादेश की कैपिटल सिटी, और बहुत बड़ी सिटी है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी जगह में है, मेन ढाका में। यहाँ पे ऐसा है कि मतलब सब लोग गांव से निकल के मेन ढाका में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है हर चीज़। अगर आप गांव में जाओगे कभी, मतलब घूमने जाओगे, कुछ देखोगे, तो आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, बहुत कम। ओके। और थोड़ी सी अगर हम और जनरल नॉलेज ऐड करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ जो कंट्रीज आती है, लैंड बॉर्डर्स जो शेयर करती है, उसमें से वेस्ट में से आता है इंडिया, और नॉर्थ से भी इंडिया ही आता है, वेस्ट से भी इंडिया आता है, नॉर्थ से भी इंडिया आता है, और साउथ ईस्ट से म्यांमार आता है, फिर उसके बाद ऊपर से है हमारे पास भूटान भी है, नेपाल भी है, वो बॉर्डर नहीं शेयर करती है, लेकिन बिल्कुल पास पास में है। और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इसके साथ आता है।
फिलहाल हम ढाका में इंजॉय कर रहे हैं, शाम का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, मैं और मेरा स्टूडेंट दोस्त बना लिया मैंने अभी ताहिर, हम लोग जा रहे हैं जिस रिक्शा से जा रहे हैं, रिक्शा बहुत चलते हैं यहाँ पे मोस्टली रिक्शा चलते हैं, मोस्टली रिक्शा चलते हैं ना, और ये बसें से टूटी हुई ही मिलेंगी। हाँ यहाँ पे ऐसा चलता है, ये हमारा डेस्टिनेशन, अब हम इसमें एंटर करेंगे, ये हमारा पार्क है। ये हम इस पार्क के सामने पहुंच चुके हैं, तो बसेस वगैरह आप लोग देख सकते हो, टूटी हुई बसेस आपको मिलेंगी। रमना पार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, बंगाली में लिखा हुआ है, तो हम नहीं बता सकते, हमें बंगाली तो नहीं आती है, बंगाली पढ़ना आती है? नहीं पढ़ना नहीं आती, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पढ़ना बहुत मुश्किल है, वो हम नहीं करते। ये जो रमना पार्क है, इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस फिश की तरह दिखेगा, और आप अंदर जाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलेगा, बट रिलैक्स आप कर सकते हैं, ये चीज़ें सामने जो आपको दिख रही हैं बस यही दिखेंगी आपको इस पार्क में, फिश टाइप की है। तो ये रमना पार्क में हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, एंट्री चार्जेस बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अच्छा, सीधा चलेंगे वहाँ से, अच्छी मतलब एक अलग प्लेस पे चलेंगे। शांति तो है लेकिन लोगों के चलने की आवाज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, जैसे कि पहले भी बताया कि 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है यहाँ पे, लोगों ने बहुत तरक्की की है, पॉपुलेशन को लेके शोर कम आ रहा है लेकिन चलने की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मीन्स पता चल रहा है कि लोग चल ही रहे हैं। कुछ इस तरह का पार्क है, शाम के बज चुके हैं, क्या टाइम हुआ? टाइम यहाँ बांग्लादेश में हो चुका है 5:45। यस 5:45, हाँ हाँ इंडिया से आधा घंटा आगे। दूसरा, मैं आपको सिम को लेके बता रहा था कि बॉर्डर पे मैंने सिम इसलिए नहीं ली थी, वहाँ पे मुझे लूटा जा रहा था और मुझे पता है, एक्सपीरियंस हो गया, ये मेरी 6th कंट्री है और मुझे पता था कि कुछ ज़्यादा पैसा कर रहे हैं, तो मैं जब भी मैंने ऐसे ही सोचा कि जब मैं पहुँच चुका यहाँ पे बांग्लादेश में, कोई नाउन बंदा होगा तो उसको साथ रख के सिम कार्ड वगैरह लूँगा, तब इजी हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है जब बंदा ट्रैवलिंग करता है। तो अभी मैं ताहिर के साथ हूँ, ताहिर ने मुझे बताया कि इनकी सिम है जो बंद हो गई क्योंकि वीज़ा ख़त्म हो गया, ये बात मेरे लिए अजीब थी, मेरे को नहीं समझ आई वीज़े का क्या कनेक्शन सिम के साथ, तो ताहिर आप मुझे बताइए, इधर आओ, क्या कनेक्शन है सिम का, क्या कनेक्शन वीज़े के साथ? वीज़े का ऐसा होता है कि जब मैं पहली बार बांग्लादेश आया था तो जैसे हमने मतलब एयरपोर्ट पे थे हम, तो उसी वक्त हमें बताया गया था कि मतलब सिम निकलवानी पड़ेगी, हमारे तो कंसल्टेंट साथ होते हैं जो एडमिशन्स वाले बच्चे होते हैं, वहाँ से जो सिम निकलती है वो आपके वीज़ा पे निकलती है। ओके ठीक है, जो हमारा वीज़ा बांग्लादेश के लिए स्टूडेंट वीज़ा लगता है, 1 साल का है, 6 महीने का है, जितना भी कोर्स होगा जिसके लिए वो होगा, तो जिस एज द टाइम जैसे वो वीज़ा ख़त्म होगा उसी दिन आपकी सिम। तो कितने टाइम का वीज़ा था आपका? मेरा था 1 साल का। ओके okay. 1 साल मुझे कंप्लीट हो चुका, तो मेरा वो सिम भी बंद हो गई और वीज़ा एक्सपायर हो गया। ओके okay. उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, स्टूडेंट्स को बांग्लादेश जो है वो फ्री वीज़ा देती है इंडिया के लिए। ओके okay. फ्री वीज़ा होता है, उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन उसको टाइम लगता है, मिनिमम 1 महीना भी और लगेगा okay. तब तक हमारी सिम बंद ही रहेगी, उसके बाद जैसे ही वीज़ा आएगा तो सिम खुद से चालू होगी। तो यहाँ पे वाईफाई कैसे चलाया आपने? वाईफाई बात की आपने, मैंने तो किसी से लेकर, अच्छा अच्छा, तो मैंने, अब मैं अपने वीज़ा को लेके बताता हूँ, कोलकाता से मैंने वीज़ा लिया, अगर आप सिंपली वीज़ा एम्बेसी में जाके आप अप्लाई करते हो तो आपको कम से कम 17 से 18 वर्किंग डेज वेट करना पड़ेगा, वर्किंग डेज के साथ साथ आप अगर लगा लो बीच में छुट्टियां भी होती हैं, फ्राइडे छुट्टी होती है, सैटरडे छुट्टी होती है, संडे छुट्टी होती है, तो इस हिसाब से आपको 1 महीना भी लग सकता है अगर आप एम्बेसी में जाके वीज़ा लेते हो। पर मैंने किस तरीके से वीज़ा लिया, मैंने सिर्फ 2 ही दिन में वीज़ा लिया, अगर आप लोगों को जानना है, फेसबुक पे देख रहे हो तो स्टार्स दीजिए पहले, स्टार्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा उस बंदे को मैं इनबॉक्स में बात करूंगा, या आप लोग मुझे अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप लोगों को पूरा बताया जाएगा कि अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो। फिर उसके बाद टायर के साथ घूमेंगे थोड़ा आगे पीछे, आ जाओ। इस पार्क में मैं देख रहा हूँ अभी तक कपल्स तो मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, कपल पार्क नहीं कह सकते इसको हम ना, कपल पार्क कह नहीं सकते, पर यहाँ पे ऐसा है। अच्छा, नॉर्मली आप अभी घूमोगे आपको ये चीज़ दिखेगी, यहाँ पे कपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, ऐसा मैंने okay. पहली बार देखा है। और हिंदी देखा। हिंदी तो कैन यू प्ले हिंदी? और थोड़ा सा पूछे अगर हिंदी सॉन्ग तुम्हें कि हिंदी है? ना ना हिंदी पारी ना, मैं बांग्ला पारी, बांग्ला पारी, हाँ बांग्ला, तो मतलब तो बांग्ला बुझे ना, हाँ मतलब तो हिंदी, बांग्ला बुझे ना, बांग्ला बुझे ना। मैंने आपको बांग्लादेश आने के तरीके बताए थे कि आप लोकल ट्रेन से बॉर्डर तक आ सकते हो, जैसे कि मैं आया,
आप बस से आ सकते हो बॉर्डर तक, उससे आगे आपको चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे इमिग्रेशन होगी। लेकिन एक और तरीका, आप प्लेन से भी आ सकते हो, प्लेन से भी आ सकते हो, वो तो आपको पता ही है, किसी भी एयरपोर्ट से कोलकाता से आ सकते हो, दिल्ली से आ सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी ट्रेन आती है वो बिल्कुल जो ग्रीन कलर की होती है, मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस उसका नाम है। अगर आप कोलकाता से बैठते हो, कोलकाता रेलवे स्टेशन से बैठते हो तो आपको वो वहाँ पे बॉर्डर पे कुछ इमिग्रेशन नहीं होगी। यहाँ पे जो स्टेशन आता है, यहाँ पे मेरे को उसका कुछ खास उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो मेरे स्टूडेंट हैं ताहिर, ये आते रहते हैं, इनको पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़ा सा बता दें मुझे। सबसे पहले तो अगर हमने ढाका से यहाँ पे आना है, मतलब ढाका आना है वहाँ से कोलकाता से, तो कोलकाता से आएगी वो ट्रेन, वहाँ पे इमिग्रेशन होगी वहीं पे स्टेशन पे, उसके बाद बॉर्डर पे वो ट्रेन नहीं रुकेगी, वो सीधे ढाका आती है। सीधे ढाका आएगी, यहाँ पे अपना उसका स्टेशन है, कैंटोनमेंट नाम करके एक स्टेशन है, अलग से स्टेशन है, सिर्फ उसी के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेन है, वहाँ पे एकदम वहाँ पे आओगे, वहाँ पे बहुत जल्दी 15-20 मिनट या आधे घंटे में इमिग्रेशन हो जाती है, वहाँ से इमिग्रेशन होगा, आप एकदम ढाका आ जाओगे, बॉर्डर पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा ना आने का रीज़न उस पर ये था कि मुझे एक्सप्लोर करना था, चलते चलते साथ साथ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बताना था कि कैसे आना क्या है। उसमें बैठता तो मैं मज़े से जर्नी करके पहुंच जाता, लेकिन मुझे देखना था कैसे पहुँचते हैं, क्या होता है रास्ते में, क्या नहीं होता है। आज मेरा रिलैक्सेशन डे था और मैंने ज़्यादा घूमा नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। और उसके साथ साथ ये रमना पार्क ही है जो बिल्कुल गुरुद्वारा के साथ में ही है, यहाँ पे लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कम कपल्स भी बैठते हैं ज़्यादा नहीं, कम कपल्स भी बैठे हुए कुछ कुछ जगहों पे दिखते हैं। वो देख के मुझे खुशी नहीं होती है, गमी होती है, और रीज़न नहीं बता सकता हूँ क्यों गमी होती है। फिर उसके बाद है ये सामने बच्चों की चिल्ड्रन पार्क वगैरह कुछ खेलने वेलने की जगह है यहाँ पे। इसी पार्क के कुछ तीन एंट्री गेट हैं, अब ये गेट से हम बाहर आए तो इस बाहर निकलने के बाद ये सामने आपको एक छोटा सा ब्रिज दिख रहा है, फ्लाई ओवर, इससे हम आपको पूरा ट्रैफिक दिखाते हैं, आ जाओ। तो जनाब ये ब्रिज के ऊपर आके मैं आपको ये ट्रैफिक दिखा रहा हूँ बांग्लादेश की। यहाँ पे मैं देख रहा था डबल डेकर बस भी चलती है, सिंपल पैसेंजर्स को लेके जाता है दूर दूर के लिए, नहीं यहाँ के लिए। ये अब बसेस देख लो, अभी मैं जज नहीं कर रहा हूँ बांग्लादेश को, लेकिन अभी जिस एरिया में हूँ बांग्लादेश के, यहाँ पे बसेस मुझे बहुत पुरानी दिख रही हैं। रिक्शाज आप देख लो, बहुत ज़्यादा रिक्शा चलते हैं यहाँ पे, बैटरी रिक्शा भी देखा मैंने, ऐसी बैटरी रिक्शा भी आ गया ना, पर मेन रोड पे उसको। तो ये सामने है डबल डेकर बस, शोर बहुत आ रहा है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ना कोई और गाड़ी वाला डरता है, एक दूसरे के आगे जाते हैं। ये देखो ये बंदा बीच में कैसे जा रहा है, ये देखो वो कहाँ से आ रहा है अरे यार, रिक्शा वाला बीच में से चला गया, ये लोग इधर ही खड़े हैं, सिग्नल है या नहीं है पता नहीं क्या, ये बंदे खड़े हैं लेकिन वो बंदा बीच में से चला गया। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि मेरे को तो उतना आइडिया नहीं था, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं बाहर जाते हैं। मैंने अपना फ़ोन तो लाया हुआ है, बैग अपना मैंने नहीं लाया, और ताहिर से मैंने कुछ बातें सुनी। ताहिर वहाँ का ऐसा है कि बांग्लादेश के अंदर जो चीज़ें, मतलब जब नया नया बंदा आता है और कोई भी फॉरेनर दिखता है तो यहाँ का शाम के टाइम पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए इतना ख्याल रखना है, जब भी यहाँ पे कोई आता है तो नया आता है उसको बहुत ख्याल रखना है कि फ़ोन जेब में ही रखे मोस्टली, मतलब यूज़ ना ही करे बाहर तो अच्छा है, वरना मेरे सामने दो तीन मेरे सामने ही ऐसे हुए हैं कि मतलब एक एक लाख से ज़्यादा फ़ोन का प्राइस है पर मेरे सामने बंदे लेके चले गए, कुछ नहीं कर सकता कोई। इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैं बाहर गेट के बाहर खड़ा था और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा फ़ोन्स का ध्यान रखें, फ़ोन्स अपने अच्छे आगे वाले पॉकेट में डाल के अच्छे तरीके से, बैग्स का भी ध्यान रखें, अलर्ट रहें जब भी बाहर निकले, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी तो मैंने ऐड कर दी। इसे टायर इससे निकालते हैं क्या? इसी से निकालेंगे, ये बेसिकली फ्रूट्स को मिक्स करके बनाया गया है। अच्छा अच्छा, वो निकाल रहा है, वो निकाल रहा है वो वहाँ से। हिंदी हिंदी नो हिंदी हिंदी बुझे ना नहीं अच्छा ये हमारे लिए निकाल रहा है आदमी, इसको क्या बोलते हैं, नेम आइसक्रीम, ये कैसी आइसक्रीम है यार, ये बंदे ने आइसक्रीम बनाई इसको, इससे
कैसा टेस्ट है? टेस्ट बढ़िया, फ्रूट आइसक्रीम है ना? फ्रूट आइसक्रीम है, सब फ्रूट्स को मिक्स किया गया है, सब फ्रूट्स को मिक्स किया। अच्छा, इसके साथ फ्रूट चिपकाते हैं? हाँ, तो मदर फ्रूट है ये, लोग तुम्हें क्रीम बनाई थी, ये इसके साथ ये लोग फ्रूट्स चिपकाते हैं और उसके बाद यहाँ से ग्राइंड करके ये कुछ ऐसे आइसक्रीम बनाते हैं। तो ये रही फ्रूट आइसक्रीम। बढ़िया है। हम ही तुम्हारे वल्लभाशी। ओके, छोटे छोटे दो कप लिए इस आइसक्रीम के और 100%। 100 तो वापस नहीं दोगे? बस शाम का टाइम हो चुका है जनाब, बिल्कुल शांति हो गई है, कोई शोर शराबा नहीं है, लोग अपने अपने घरों में चले गए, पता नहीं क्या मसला है, पर पूरी शांति हो गई है, गाड़ियों का उतना शोर शराबा या कोई हॉर्न वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। मैं वापस अपने रूम में जा रहा हूँ, आपको मैंने रूम भी दिखाया, आपको मैंने रेट भी बताया, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, 800% लगता है पर डे का, अगर आपको खाना वाना भी खाना है, नहीं खाना है तो आप लोग उनको बता सकते हो, मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊँगा, तो मेरा कम उन्होंने किया, 500% पर डे किया उन्होंने। तो आज का दिन यही था, छोटा सा बार की आपको पार्क दिखाई मैंने, उस पार्क में क्या क्या होता है, बस लेक है, फैमिली आती है वहाँ पे, आप वॉक कर सकते हो और थोड़ा सा इंजॉय किया ताहिर के साथ, अच्छा लगा। हाँ, मिलता हूँ कल एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, फैमिली वालों का ध्यान और सबका ध्यान रखना है, भाई का ध्यान भी आपने रखना ही रखना है।